हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अजय शिंदे एंड आई एम फ्रॉम ब्रिकफोलियो प्राइवेट लिमिटेड। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, वो है वाकड़ का न्यू वाकड़ वेस्ट रिजर्व कोहिनूर। ये आपका 2 BHK है विद कारपेट ऑफ 800 और 797 कारपेट। जैसे ही आप घर में एंट्री करते हैं, आपको एक एंट्रेंस लॉबी मिलता है 3.7 by 4.8, जिसके डोर के पीछे आपको यहाँ पे शू रैक दिया है जहाँ पे आप आपके शू रख सकते हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस लॉबी से आप एंटर करते हैं तो आपको मिलता है एक ह्यूज लिविंग स्पेस जिसका साइज है 10.6 by 17। यहाँ पर आपको कॉर्नर स्पेस एक मिलता है जहाँ एंट्री के आने के बाद आपको एक टीपॉय या आप काउंटर रख सकते हैं जहाँ पे आपके कीज और हेलमेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आप आपका एल टाइप में सोफा रख सकते हैं। यहाँ पे टीवी के लिए आपको एक डेडिकेटली वॉल दिया है, टीवी स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा। लिविंग एरिया में आपको स्लाइडिंग डोर मिल रहा है विद टफन ग्लासेस, जहाँ पे आपको 80% साउंड रेजिस्टेंट ग्लास मिल रहा है विद मस्कीटो नेट्स। जैसे ही आप लिविंग से बालकनी में आते हैं तो आपको बालकनी मिलती है 10.5 by 5 की, जो क्लोज्ड बालकनी रहेगी, ये आपका ऑड इवन नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको मिलता है टफन ग्लासेस विद स्टेनलेस स्टील रेलिंग। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डाइनिंग स्पेस की तरफ, जिसका साइज है 5 by 7। डाइनिंग स्पेस के पास ही आपको वन टच का स्क्रीन मिलता है, जो आपका कोई एंट्रेंस में कोई मेहमान आता है तो आप यहाँ बैठे बैठे देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं किचन की तरफ, जिसका साइज है 9 by 8 विद ब्लैक कलर ग्रेनाइट हाफ टाइल्स आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पे आपको स्विच मिल रहा है वाटर प्यूरिफायर के लिए। यहाँ पे आप आपको एक और एक स्विच मिल रहा है जहाँ पे आप आपका चिमनी सेट कर सकते हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे आपको डेडिकेटली स्पेस दिया है फ्रिज के लिए। अब चलते हैं ड्राई बालकनी की तरफ, जिसका साइज है 3.5 by 8 का साइज है इसका। यहाँ पे ड्राई बालकनी में आपको एंटी स्किड टाइल्स मिल रही हैं। किचन में आपको 2 बेसिन मिलते हैं, एक बेसिन आपका यूटिलिटीज यूज करने के लिए, सब्जी धोने के लिए, और ये जो बड़ा वाला बेसिन है यहाँ पे आप बड़े बर्तन धो सकते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटली वॉशिंग मशीन का स्पेस मिलता है, प्लस स्विच भी आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर आपको मिलता है स्लाइडिंग विंडो विद सेफ्टी ग्रिल, और यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। ये सिर्फ सैंपल फ्लैट का वीडियो नहीं है, पूरे प्रोजेक्ट का डिटेल आपको एंड तक मिलेगा। अब चलते हैं चिल्ड्रंस बेडरूम की तरफ, कॉमन वॉशरूम की तरफ और मास्टर बेडरूम की तरफ। कॉमन वॉशरूम आपको मिलता है 7.5 by 4.5 का विद एंटी स्किड टाइल्स। सीपी सैनिटरी फिटमेंट आपको मिलती है जगवार की। आपको फॉल्स सीलिंग मिलती है फाइबर ग्लास की, जहां पर आपको गीजर का प्रोविजन दिया गया है जो आपका फॉल सीलिंग के ऊपर रहेगा। कॉमन वॉशरूम में आपको जो टाइल्स मिल रही है फुल टाइल्स मिल रही है, जिसमें आपको वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए आसानी हो जाती है। इसी के साथ हम चलते हैं किड्स रूम की तरफ या पेरेंट्स रूम की तरफ, जिसकी साइज है 10 by 10। किड्स बेडरूम में आपको ये डेडिकेटली स्पेस मिलता है वार्डरोब स्पेस, जिसको निश स्पेस कहा जाता है। यहाँ पे आपका वार्डरोब भी बना सकते हैं और अपर साइड में भी आप आपके कबर्ड्स बना सकते हैं। ये आपके कारपेट में इंक्लूड नहीं रहेगा। इसी के साथ आपको दिया है यहाँ पर 4 feet का स्लाइडिंग विंडो विद सेफ्टी ग्रिल एंड विद साउंड रेजिस्टेंट ग्लासेस एंड मस्कीटो नेट। इस स्पेस में आपको आपके किड्स का बंक बेड भी लगा सकते हैं। उसके साथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको एम्पल स्पेस मिलता है स्टडी टेबल के लिए।
स्टडी टेबल विंडो के पास होने की वजह से आपको फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट मिलेगी, जहां पर आपका बच्चा फ्रेश माइंड से स्टडी कर सकता है। इसी के साथ चलते हैं हम डोर्स की तरफ। पूरे घर में जो डोर्स दिए हैं विद लैमिनेटेड डोर्स हैं, यूरोपा ब्रांड के आपको लॉक्स मिल रहे हैं। डोर फ्रेम्स आपको मिल रहे हैं कर्व में, जहाँ पे अगर बात करें तो उसको रबर बीडिंग भी दिया हुआ है, रबर बीडिंग का प्रोविजन दिया है, जिसके कारण आपका दरवाज़ा अगर बैंग भी होता है तो उसका साउंड नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं आपके मास्टर बेडरूम की तरफ, जिसकी साइज है 10.5x13। इट्स अ ह्यूज बेडरूम। यहाँ पे आपको वार्डरोब का स्पेस मिल रहा है डेडिकेटली। यहाँ पे आप आपका एल टाइप वार्डरोब यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ आपको टीवी के लिए यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है। आप आपका बड़ा टीवी, शाम का टीवी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर दिया है क्वीन साइज बेड के लिए इतना बड़ा स्पेस, जहाँ पे आपको यूटिलाइज करने के लिए एम्पल स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको एक प्रोविजन दिया है नाइट लैंप रखने के लिए। मास्टर बेडरूम को आपको मिल रही है मास्टर बालकनी विद स्लाइडिंग डोर्स, 80% साउंड रेजिस्टेंट ग्लासेस विद मस्कीटो नेट्स। फुल स्लाइडिंग डोर होने की वजह से आपको नेचुरल एयर और नेचुरल लाइट मिलेगी। मास्टर बेडरूम के साथ आपको मास्टर बालकनी मिल रही है, जिसकी साइज है 10.5x3 की, विद टफन ग्लासेस विद स्टेनलेस स्टील रेल्स। इस बालकनी में मिलेंगे आपको एंटी स्किड टाइल्स, प्लस ये बालकनी आपको कवर्ड मिलेगा, तो जिसमें आपका प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। बढ़ते हैं हम वॉशरूम की तरफ। मास्टर वॉशरूम आपको मिलता है 8x4.5 का विद एंटी स्किड टाइल्स। सीपी सैनिटरी ट्रीटमेंट जगुआर के मिलते हैं विद फॉल सीलिंग। ये था आपका 2BHK विद 800 कारपेट। अब बात करते हैं लोकेशन की। ये जो लोकेशन है मुंबई बैंगलोर हाईवे से 1.5 किलोमीटर पर लोकेटेड है। प्रोजेक्ट के वेस्ट साइड में पुनावले फॉरेस्ट एरिया है। प्रोजेक्ट से हिंजोडी IT पार्क 4.5 किलोमीटर पर है। अगर बात की जाए स्कूल्स की, अक्षरा इंटरनेशनल स्कूल 1.4 किलोमीटर, ओदर इंटरनेशनल स्कूल 2.3 किलोमीटर और यूरो स्कूल 4.2 किलोमीटर पर है। कॉलेजेस की बात करें, GSPM 1.2 किलोमीटर, इंदिरा कॉलेज 1.7 किलोमीटर, DY पाटिल कॉलेज 6 किलोमीटर पर है। अगर बात की जाए वर्क प्लेसेस की, विप्रो, इंफोसिस और हिंजोडी IT पार्क 5.9 किलोमीटर रेडियस पर है। मॉल्स की बात करें, फिनिक्स मॉल 3 किलोमीटर पर है और डीमार्ट 2.9 किलोमीटर पर है। अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स की, आदित्य बिरला हॉस्पिटल 6 किलोमीटर, लाइफ केयर हॉस्पिटल 2.4 किलोमीटर, रूबी हॉल क्लिनिक 5 किलोमीटर और लाइफ पॉइंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 3.1 किलोमीटर पर है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में। पूरा प्रोजेक्ट जो है 10 एकड़ में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें टोटल 7 रेसिडेंशियल टावर रहेंगे। अभी 5 टावर लॉन्च हो चुके हैं, A1, A2, A3, A4 और A5। इस प्रोजेक्ट के सारे टावर्स G+22 स्टोरेज के रहेंगे। इस प्रोजेक्ट में 2BHK, 2.5BHK और 3BHK रहेंगे। इस प्रोजेक्ट से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 600 मीटर की दूरी पर होने से इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग कंटिन्यूस बढ़ रही है। कॉन्फ़िगरेशन, कार्पेट और प्राइसिंग के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ब्रिकफोलियो प्राइवेट लिमिटेड इज अ रियल एस्टेट कंपनी। वी आर अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। वी आर देयर विद यू राइट फ्रॉम योर फर्स्ट कॉल। वी हेल्प यू टू शॉर्टलिस्ट प्रॉपर्टीज, टेक यू टू साइट विजिट्स, support you for loan processing and also help you to coordinate with builder. We are there with you till you get your possession. All of this is absolutely free because Brickfolio doesn't charge any consulting charges. There is no hidden cost. So, what are you waiting for? Contact Brickfolio Private Limited now and buy your dream home. अब बात करते हैं डेवलपर के बारे में। कोहिनूर ये जो ब्रांड है 39 इयर्स से मार्केट में है। मिस्टर कृष्ण कुमार गोयल ये कोहिनूर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है। अब बात करते हैं एमिनिटीज के बारे में। इस पूरे प्रोजेक्ट में स्विमिंग पूल, योगा डेक, फिटनेस क्लब, टेनिस कोर्ट, प्रैक्टिस क्रिकेट पिच, वॉक इन ट्रैक, एम्पी थिएटर, लॉन एरिया, ऐसी काफी सारी एमिनिटीज अवेलेबल है। दोस्तों, आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी आप कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।